ये हम लोग का वाइल्ड फ्लेवर्ड लिप्स, जिसको हम लोग मेजे का पत्ता बोला जाता है। ये देखो गाइस, आज सुना पता नहीं क्या किस्मत है भाई मेरा, मोर देन 20 मिनट्स हम वॉक करके जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाऊंगी मार्केट पे, आई मीन जैसे मेरा रूम में, मार्केट नहीं पहुंचा अभी तक। और यहाँ पे मेरा सामने में है छोटा छोटा क्यूट क्यूट बेबी, साथ में जा रहा है। ये देखो, हेलो नन्नो, आपका स्कूल छुट्टी हो गया? हाँ। अच्छा। और यहाँ पे भी देखो साथ में, हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? रेखी। अच्छा, आप कौन सा क्लास में पढ़ाई करता है? एलकेजी। एलकेजी ना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? बलबागी स्कूल। अच्छा, आप तीनों का अभी छुट्टी हो गया ना, आप दोनों क्या दीदी बहन है क्या? हाँ। ओ, दोनों का फेस भी सेम सेम है ना। चलो अच्छा से पढ़ाई करो। हाँ गाइस, अजीब लग रहा होगा मेरा ये सर पे स्कार्फ को देख के, क्योंकि ये देखो इतना धूप है ना, इतना धूप है, पता नहीं समर ना विंटर है कुछ मालूम ही नहीं चलता है। सो ऐसा माथा में अम्ब्रेला भी नहीं है, और ऊपर से मेरा स्कूटी लेके चला गया ना, इसलिए ऐसे ये देखो ऐसा करके जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा शेडो आने दो बोल के ऐसा स्कार्फ को ऐसा किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है गाइस, इट्स वेरी हॉट। ओ माई गॉड, लिटरली अभी छाया वाला प्लेस मिला है। सो आफ्टर 2 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी मार्केट पे, आई एम स्टिल ऑन द वे। हमेशा स्कूटी से अप डाउन कर करके आज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रिकॉर्ड किया मेरा स्कूटी लेके चला गया। सो वैसे जाना पड़ रहा है हमको ना। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग अगेन फ्रेंड्स। ये देखो अभी भी आई एम स्टिल ऑन द वे, नहीं पहुँचा है रूम में। माई गॉड, आज तो ना पूरा चल चल के जाना पड़ रहा है हमको, और अच्छा भी लग रहा है। स्पेशली इवनिंग टाइम होने से ना और भी मज़ा फील होना था, क्योंकि अभी हो गया है आफ्टरनून के टाइम। और ये देखो आफ्टरनून के टाइम में तो बहुत धूप होता है, सो चलने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, अनलाइक इवनिंग में। इवनिंग में तो पूरा ठंडा कूल हो जाता है ना, इसलिए जितना भी चलो जितना भी वॉक करो उतना ही अच्छा लगता है। बट आज अनफॉर्चुनेटली स्कूटी नहीं होने के कारण पैदल चल के जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। और इतना नॉइस से गाड़ी इतना अप डाउन कर रहे हैं, मेरा आवाज़ पता नहीं किसे जा रहा होगा। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो। चलो यहाँ पे मैं एक थंबनेल भी ले लेती हूँ, सो आप लोग बने रहिए। फाइनली दोस्तों, मैं अभी घर में पहुँच गई हूँ, और ये देखो ये लोग भी अभी पहुँच चुका है। एक्चुअली ये गया था मुन्नू और जो मेरा छोटा वाला भाई है, वो दोनों को पिक करने गया था। और अभी भाई और मुन्नू और हम सब के लिए ये यहाँ पे फिश बॉयल बनाएगा, यहाँ पे खाना रेडी है। और यहाँ से कुछ कुछ मैं बनाने के लिए कोशिश करूँगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है बीन्स और ये मसाला पत्ता, और यहाँ पे है लाई पत्ता। सो लेट्स सी अभी हम क्या बनाते हैं। ये तो फाइनल हो गया, इसको हम लोग बॉयल बनाएंगे, और दूसरा क्या बनाते हैं आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, रूम में आज और एक बार मेहमान आया है, और मेहमान हम लोग तो कॉमन वही है मोनू ऑफिशियल, तो उसके लिए आज रेसिपी बनने के लिए जा रहा है लोकल फिश बॉयल। उसका हेल्थ भी खराब ही बोल रहा है, इसके लिए आज नो ऑयल सलाद होगा, फिश बॉयल होगा। और यहाँ में हम लोग का हीरोइन और क्या बनाने वाला है वो हीरोइन को मालूम है। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए। ये हम लोग का फिश जो मार्केट से लाया था पीस करके अभी रेडी है, इसको अभी इसमें पकाएंगे। और ये पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, और स्पाइसेस हम लोग का मैडम यहाँ पे तैयार कर रहा है। क्या क्या स्पाइसेस तैयार कर रहा है दिखाओ, अदरक, जिंजर, ऑनियन और चिल्ली। ये हम लोग पानी बढ़िया से उबल रहा है, तो इसमें हम लोग अभी अपना पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ब्लैक पेपर भी है इसमें। मोनू का नाक बंद है, गला बैठा हुआ है, तो उसके लिए ब्लैक पेपर का पेस्ट
काम करेगा पूरा उसके हेल्थ के लिए, तो वो भी डाल देता हूँ। इसको 2 मिनट्स बढ़िया से उबलने के लिए देते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक, आप लोग देख सकते हो यहाँ में पानी बढ़िया से उबल चुका है। तो लेट्स हम लोग मच्छी को डाल देते हैं। लोकल फिश ना, हम लोग का नाम साय का लोकल फिश। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे लोकल मछली बॉईल किया जा रहा है। हम लोग का मास्टर शेफ लोकल स्टाइल से बना के खाएगा इसको। अभी आप लोगों को पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, बाद में पूरा कमती हो जाएगा। सूप पीने के लिए बना रहा है ये लोकल स्पेशली फॉर मोनो। और यहाँ पे रो टाइप से हम लोग बना के खाएगा, लॉन्ग बीन्स एंड लाइट मटर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हाथ में 5 किंग चिली है, ये पूरा पक चुका है। तो अभी मैंने ना इसको बनाने वाला है चटनी। तो चटनी नहीं बनाने से पहले इसको मैं अभी रोस्ट करूँगी, और इसके साथ हम कुछ भी मिक्स नहीं करेगा एक्सेप्ट सॉल्ट एंड मसाला पत्ता। तो बने रहिए दोस्तों। और ये देखो काका वाला मिर्चा पत्ता, इसको हम लोग डालेंगे फिश बॉइल में। तो काका कपा है रे, सलाद के लिए रेडी कर रहे हैं। दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट, ये है हम लोग का मेन मेडिसिन। फर्मेंटेड पेम शूट भी मैंने डाल दिया। ये हम लोग का वाइल्ड फ्लेवर्ड लिप्स, जिसको हम लोग मेजेंगा पत्ता बोला जाता है। चटनी प्याज नींबू पूरा रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग का बॉयल बढ़िया से पक चुका है, लोकल स्टाइल बॉयल। गाइस एक्चुअली शाम को व्लॉग ख़त्म कर देना चाहिए था, बट समय नहीं मिलने के कारण मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और पीछे में पूरा बिखरा हुआ कपड़ा जहाँ था फैलाया हुआ है, इग्नोर ऑल दैट, इतना जहाँ था रख दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ऑल आर व्लॉग्स। बाय बाय एंड गुड नाइट।